बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टीचर्स एकेडमी में आप सबको वेलकम। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। आज हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जेम्स वैन हॉर्न की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है ब्लॉबर्स इनकॉर्पोरेशन का, इनके दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं विच हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये 3 साल के प्रपोजल हैं। फर्स्ट पे इनकी कॉस्ट है 9,000 का, कैश आउटफ्लो है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,000 ईच ईयर का। नेक्स्ट इनकी नेट कैश फ्लोज इन्होंने बता दी, हमारी जो नेट कैश फ्लोज हैं 5,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे हैं, 4,000 और 3,000 है। इसी तरह प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट कैश फ्लोज अवेलेबल हैं। For they are required for each project, compute its payback period and its net present value and its profitability index using a discount rate of 15%. तो हमें ये इन्होंने requirement दे दी है कि हम ये attempt करें। तो let's see कि हम payback period कैसे calculate करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है जिसमें मेरे पास पीरियड और कैश फ्लोज हैं, इसको हम कैश फ्लोज कहते हैं, ठीक है। और इन कैश फ्लोज को मैंने कंबाइन कर लिया। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे काम नहीं करना, हमें जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे वैल्यूएशन लेनी होती है वो नेट कैश फ्लोज की लेनी होती है। तो कैश फ्लो में सबसे पहले जीरो पीरियड पर हमारे पास कैश आउटफ्लो है 9,000, मैंने इसे ब्रैकेट में कर लिया नेगेटिव साइन शो करने के लिए। नेक्स्ट हमने अपनी कैश फ्लोज लिख ली हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में है एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज, इन तमाम कैश फ्लोज का एक्यूमुलेशन कर लिया है। तो फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकंड ईयर में 5,000 प्लस 4,000 9,000 बन जाएगा और उससे नेक्स्ट ईयर में 9,000 प्लस 3,000 12,000 बन जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं अपनी प्रोजेक्ट ए की। तो जो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है दैट इज़ पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। अब इसमें ए बी सी डी क्या वैल्यूज़ होंगी उनको देखते हैं। हमें ये चेक करना है कि जो हमारा 9,000 का कैश आउटफ्लो है एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज में वो कहाँ पर पूरा हो रहा है, वो सेकेंड ईयर यानी पे पूरा हो रहा है। तो 9,000 जो होगा सेकेंड ईयर जहाँ एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो पूरा हो रहा है दैट विल बी सी, इसको हम सी कंसिडर करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाली जो कैश फ्लो की सीरीज़ है, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो की सीरीज जो इसके नेक्स्ट ईयर में होगी वो हमारे लिए इक्वल टू डी होगी। और जो सी जिसको हमने कंसीडर किया है उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए। और जो हमारी कैश आउटफ्लो है जो स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी वो हमारे लिए बी होगी, दैट विल बी इक्वल टू बी। तो अब हमारे पास ए बी सी डी फोर वैल्यूज आ गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वो वैल्यूज़ जो आपके पास आपकी कैश आउटफ्लो को पूरा कर रही है एक्यूमुलेटेड में हम वो चेक करेंगे। वो जिस टाइम पीरियड पे जहाँ पे पूरा करेगी वो सी होगा, उससे नेक्स्ट वाली कैश फ्लो डी होगी, सी के सामने वाला जो पीरियड होगा वो ए होगा और कैश आउटफ्लो बी होगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करके हम जो है पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास पे बैक पीरियड 2 ईयर्स का आता है फॉर प्रोजेक्ट ए। अब डिपेंड ये करता है कि आपका बेंचमार्क क्या है। अगर आपका बेंचमार्क 2 ईयर्स से ज़्यादा है तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये आपका बेंचमार्क 2 ईयर्स से कम है तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दिस वॉज पे बैक पीरियड। अब नेक्स्ट हम इसका प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं। इसी तरह सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए हम पे बैक कैश फ्लोज लेंगे और हम इधर भी ए बी सी डी आपको करके बताते हैं कैसे होगा। 12,000 यहाँ आउटफ्लो है इस प्रोजेक्ट का, हम एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो में देखेंगे कि 12,000 कहाँ पे पूरा होता है। तो अगर हम देखें तो 2 ईयर और 3rd ईयर पीरियड के बीच में 12,000 पूरा होता है, तो इसमें हम मिनिमम अमाउंट को लेंगे सी, यानी कि 10,000, 18,000 12,000 से बड़ा हो जाएगा। जो कम वाली अमाउंट है 10,000 उसको हम लेंगे सी, उससे नेक्स्ट वाली अमाउंट कैश फ्लो में डी के इक्वल होगी और सी के सामने वाला जो पीरियड है वो ए होगा और जो कैश आउटफ्लो है दैट विल बी इक्वल टू बी। और अब हम इस पे बैक पीरियड को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ 2.25।
तो ऐसे हमने ये पे बैक पीरियड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारा टारगेट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू चेक करते हैं हम। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो, तो दैट विल बी इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज लेंगे और इन कैश फ्लोज की हम प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। जो कैश इनफ्लोज है, हमारे पास रेट जो गिवन है रिक्वायर्ड रेट, दैट इज 15%। हम 15% पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमने कैलकुलेशंस कर ली और हमने 15% पे टेबल से ये वैल्यूज ले ली और इन वैल्यूज़ को इनके रेलिवेंट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। अब इन प्रेजेंट वैल्यूज़ को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 9,344.9 एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई प्रोजेक्ट ए की, और प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यू है 13,388.7। तो ये हमारे पास आ गई प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यूज़। अब हम इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज़ इक्वल, इनकी जो रेलिवेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ है इनमें से हम 9,000 और 12,000 को रिलेटिवली माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई, जब 9,344.9 से हमने 9,000 का माइनस किया और 13,388.7 से 12,000 को माइनस किया, तो रिलेटिवली प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू 344.9 और प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू 13,888.7 आ गई। इसमें अब थर्ड पार्ट जो हमने करना है, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसके इक्वल होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। यानी हमें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो करेंगे तो हमारे पास जो है इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज सारी गिवन है, हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ को प्लस किया और 10,000 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास ये जो है प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.039 और प्रोजेक्ट बी का 1.116 आ जाता है। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन प्रॉब्लम वन व्हाट क्रिटिसिज्म मे बी ऑफर्ड अगेंस्ट द पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड पे आप क्या क्रिटिसिज्म देंगे? पे बैक पीरियड ऑल्दो एक अच्छा ईजी टू कैलकुलेट है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये तमाम कैश फ्लोज जो हैं इसके अंदर इसको इग्नोर करता है, और जिसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी ये जो सिस्टम है या ये जो मेथड है इग्नोर करता है, और हम जो इस कैलकुलेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैटर नहीं कर पाते। इसके अलावा ये एक और स्कूल ऑफ थॉट जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देता है कि ये क्रूड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसका और वेरी सब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट इज़ द फॉलोइंग एक्सरसाइज on internal rate of return, तो हमने यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR फाइंड करना है। फर्स्ट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 टूडे विल रिटर्न 2,000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, वट इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR फाइंड करना है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें वन टाइम पेमेंट है, हम वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं और रिसीव भी वन टाइम कर रहे हैं, और टाइम पीरियड भी फिक्स है। तो इस पर जो हमारे पास फॉर्मूला या ये जो कैलकुलेशन होंगी ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के फॉर्मूला से होगी। इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस पे प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला लगा सकती हूँ और फ्यूचर वैल्यू का भी, आपकी इजीनेस के लिए प्रेजेंट वैल्यू ही लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू, इस पे इक्वेशन इंसर्ट करते हैं, वन ओवर वन प्लस आई की पावर एन। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू इस सिनेरियो के अंदर, इसमें हमें आई फाइंड करना है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा।
बाकी चीज़ें हमें गिवन है. तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 टुडे, 1000 विल बी इक्वल टू 2000 फेस वैल्यू, और ये सारा फिगर है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं दैट आर 10 नंबर ऑफ ईयर्स. तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेती हूँ. तो n हमारे पास 10 है, बट i हमें इन्फॉर्म्ड नहीं है. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है फार्मूला से भी हो सकता है और टेबल से भी हो सकता है. मैं आपको फार्मूला से करके दिखाती हूँ. अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 1000 इक्वल की दूसरी साइड और ये पूरा फैक्टर इक्वल की दूसरी साइड चला जाए, तो द वैल्यू विल बी 2000 divided by 1000. तो मैंने इस फैक्टर को दूसरी साइड पे लेगी, 2001 से मल्टीप्लाई होकर 2000 हो गया, और 1000 इस साइड से इस साइड पर आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा, तो 1000 डिवाइड हो जाएगा. तो इट विल बी इक्वल टू 2000 की जगह ये आ जाएगा 2. दिस ऑल इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2. तो हमें अब 2 यहाँ पे आ गया. अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पर by taking 10th root of both sides, दोनों sides पे 10th root लेने से. तो हम दोनों sides पे 10th root लेते हैं, इसकी power 10 लेंगे तो this will be equal to 1 plus i इक्वल टू, अब 2 की पावर अगर हम 10th रूट लेते हैं दैट विल बी 1.07177. तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है. हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है. अब 1i से दूसरी साइड पे आके इक्वलाइज हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू स्मॉलर आई 1 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा 1.07177 माइनस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.07177. और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, मल्टीप्लाई 100 करूँ, सो आई कैन से इट इज़ इक्वल टू 7.177%. तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है बी पार्ट, इसमें हमें इसको टेबल से करते हैं सो दैट इट कुड बी इजी, क्योंकि फार्मूला से करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है 1000 इक्वल टू पेमेंट्स है 500 एंड आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आपके पास आ रहा है फॉर द आई हमें मालूम नहीं है एंड एन है हमारे पास 3 इयर्स. और ये 500 1000 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी 2 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. हमें अब ऐसा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लेना है टेबल से जो हमें 3 इयर्स पे 2 की वैल्यू के करीब तरीन दे, 2 या इससे कम, बट नियरेस्ट वैल्यू हमें चाहिए. तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल पे जाते हैं, दैट इज दिस फैक्टर एनुटी का टेबल, दिस वन, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ. यहाँ हम 3 ईयर पे देखेंगे हमारी कौन सी वैल्यू 2 के नियरेस्ट है. तो हम जब जाते हैं 20% के करीब, तो 20% पे ये वैल्यू 2.10 एंड 24% पे ये 1.98. तो अगर हमारे पास 23 या 22% का भी रेशो हो तो हमारे पास उनकी वैल्यू भी हो तो हम ज़्यादा क्लियरली इसको डिफाइन कर सकते हैं. फॉर नाउ इस टेबल के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 20
20% अप्रोक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 टुडे विल रिटर्न 900 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 500 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 100 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। व्हाट इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? यहाँ पे हमारे पास तीन सीक्वेंस सीरीज ऑफ पेमेंट है जो कि तीन जो है सालों की हैं, और यहाँ पे हमें हम इसको एनुटी क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये पेमेंट इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि इक्वल पेमेंट्स हैं तो हम इजीली एनुटी के फॉर्मूले से इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बी पार्ट के लिए या प्रोजेक्ट बी के लिए हम ऐसे प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे। अब हम यहाँ पर इनकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे दो डिफरेंट रेट्स के ऊपर, और जब हम इनके दो डिफरेंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक मैंने ये 15% पे लिया, 15% पे मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1226, जो 1000 से जो है ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा रेट लेना है जो अब इस प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज़ करे। तो अगर मैं अपना जो परसेंटेज है इसको इंक्रीज़ करूँगी तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू डिले कम हो जाएगी। तो अब मैं नेक्स्ट 35% पे इसको कैलकुलेट करती हूँ तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 1000 से कम आ गई है, 813। अब मैं इनको यहाँ पे इंटरपोलेशन कर लूँगी, एक मेरा लोअर रेट है और एक मेरा हायर रेट है। तो इंटरपोलेशन के थ्रू ये जो मेरा IRR फाइंड होगा, इसमें है इंटरेस्ट रेट लोअर, इंटरेस्ट रेट हायर, माइनस इंटरेस्ट रेट लोअर, माइनस प्रेजेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। ये फार्मूला पुट करके मैं जब इसकी कैलकुलेशन करती हूँ दैट इज़ अबाउट 25.97%। तो ये मेरा रेट जो है IRR इस इन्वेस्टमेंट का जो एक्सट्रीम है उसका ऐसे फाइंड हो जाता है दो रेट्स लेके उसकी इंटरप्रिटेशन करके। नेक्स्ट मेरे पास परपेचुटी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 विल रिटर्न 130 पर ईयर फॉर एवर, क्योंकि ये फॉर एवर है तो परपेचुटी है, परपेचुटी की कैलकुलेशन आर मच बिट ईजियर। हम क्या करेंगे कि इसकी जो पर ईयर पेमेंट्स हैं जो कि 130 हैं, इसे डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू 1000 पे जो उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो है, तो हमारे पास जो IRR आ जाता है दैट इज 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं कैश फ्लोज के, और इसमें पहला इवेंट जो है उसमें 22,000 दोनों की हमारी इनिशियल कैश आउटले है, और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ए, इसकी इन्वेस्टमेंट 1000 ईच ईयर हमें रिसीव होगा 4 ईयर्स तक, जबकि सेकेंड प्रोजेक्ट में जो है हमें वन टाइम पेमेंट मिलेगी 6000। तो हमें इसका फाइंड IRR करना है, हर दोनों प्रोजेक्ट्स का IRR फाइंड करना है, और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है ऑन डिफरेंट रेट्स, वो हमें गिवन है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ ग्राफ पीस का प्लॉट करना है, हम इस पर नहीं करेंगे। विच प्रोजेक्ट वुड यू सिलेक्ट, फिर सिलेक्शन देनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका IRR फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंट रेट्स बिल्कुल रख के दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए हम IRR फाइंड करेंगे और इंटरपोलेशन करेंगे। प्रोजेक्ट ए में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्योंकि एनओटी की शेप में है तो हम एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी, हमारे पास आर है 1000, हमारी रेगुलर पेमेंट्स हैं,
और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हम ले लेते हैं इस पे 20% से स्टार्ट करते हैं, तो 20% पे हमारी जो वैल्यू आ रही है 4 ईयर पे, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे 2.5887, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को, तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू विल बी 2588.7। इसी तरह हम अब दूसरा रेट लेंगे इसके लिए, मैं यहाँ पे ज्यूम करती हूँ दूसरा रेट 35%, 35% पे इस कैलकुलेशन को करती हूँ। तो हमारे पास जो आंसर प्रेजेंट वैल्यू आती है दैट इज 1996, 1.996 35% पे हमारे पास रेट है, 1996 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है। हम इसकी इंटरपोलेशन करते हैं और इंटरपोलेशन के बाद हमारे पास जो इसकी आंसर आता है दैट इज़ 34.89% हमारा इस प्रोजेक्ट का IRR है, प्रोजेक्ट ए का जो IRR है दैट इज़ 34.89%। सेकेंड प्रोजेक्ट की हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये वन टाइम पेमेंट है, तो यहाँ पे एनओटी का फार्मूला नहीं लगेगा, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला लगेगा, एनओटी माइनस कर देंगे और सिमिलर मेथड से हम इसकी भी कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। हम पहले दो इंटरेस्ट रेट्स ले लेंगे, पहला इंटरेस्ट रेट मैं अज्यूम करती हूँ 20%, 20% पे मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, और 20% पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं दो रेट्स पे, 20% पे भी 35 पे भी, और फिर इसकी इंटरपोलेशन करेंगे। सॉरी मैंने गलती से पहले 2000 लिख दिया था, जो फेस वैल्यू है हमारी 6000 है, क्योंकि वन हमें इस टाइम पीरियड के बाद 6000 रिसीव होगा, तो हमारी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से होंगी। और इसके बाद हमारा जो वैल्यूएशन आएगी इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 32.18%। अब इसका थर्ड पार्ट जो है जिसमें हमें डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज पे परसेंटेजेस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम वो करेंगे। तो अगर हम 0% लेते हैं हम इस फर्स्ट प्रोजेक्ट ए के लिए फॉर एग्जांपल, तो 0% पे हमारी कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होगी। 0% पे हम अज्यूम करेंगे हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो हमारी जो कैश आउटफ्लो जो हमें इंक्रीमेंट मिल रहा है वो नहीं है, जो कैश फ्लोज हमें शो हो रही हैं वही हमारी टोटल होंगी। जैसे प्रोजेक्ट ए में हमें 1000 ईच ईयर मिलेगा, तो ये टोटल 4000 बन जाएगा। तो 4000 पे हम माइनस 2000 करेंगे क्योंकि वो हमारा कैश आउटफ्लो है, तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 2000 आ जाएगी, पॉजिटिव 2000 होगी। कोई हम इंक्रीमेंट या इन्फ्लेशन रेट का इफेक्ट नहीं देंगे, जीरो हम इमेजिन करें कि हमारा इन्फ्लेशन रेट या जो इंक्रीमेंट है वो 0% है। और इसी तरह हमारे 6000 हमारे प्रोजेक्ट बी की है, वो जब उसमें माइनस 2000 करेंगे तो 4000 हमारी 0% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसी तरह हम डिफरेंट रेट्स पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उन्हें उनमें से कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यूज डिफरेंट रेट्स पे दोनों प्रोजेक्ट्स की आ जाएंगे।
इसमें अहम बात यही थी कि 0% पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र करती हैं एज इट इज़ आती हैं, क्योंकि हम इन्फ्लेशन रेट को या रिक्वायर्ड रेट को ज़ीरो रख रहे होते हैं, तो हम एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं उनको ले लेंगे और उन्हें आपस में माइनस कर देंगे। प्रोजेक्ट बी के अंदर हमारे पास एनुटी नहीं होगी, सिंपली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर सॉरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इसका है कि प्रोजेक्ट वुड सिलेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी, बट कैपिटल राशनिंग का यहाँ पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता। तो हम देखते हैं, अगर हम दोनों नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ को देखें तो एक लिमिट तक हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू एक प्रोजेक्ट की ज़्यादा है, नेट प्रेजेंट प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा है, जबकि प्रोजेक्ट ए की कम है, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए बी की ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 20% से बिलो वाली लाइन देखें तो फिर हमारी प्रोजेक्ट ए की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा हो जाती है जबकि प्रोजेक्ट बी की कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस आ सकता है अगर हम डिफरेंट रिक्वायर्ड रेट्स पे इनको इवेल्यूएट करें, तो हमें एक रिक्वायर्ड रेट पे चेक करना होगा कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज़रीन इलेक्ट्रॉनिक्स कैन मेक आइदर ऑफ टू इन्वेस्टमेंट एट टाइम ज़ीरो। वो दो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है 28,000 वाला, और इसमें 28,000 हमें मेथड्स फॉल कर जो डेप्रिसिएशन है वो वाला मेथड डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, 5 ईयर की क्लॉज है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे 34% है, और हमें यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयरली सेविंग्स और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है, कैश फ्लोज नहीं दी। अभी हम कैश फ्लोज पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उन कैश फ्लो से पे बैक पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू वगैरह फाइंड करेंगे। तो कैश फ्लोज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम अपनी कैश फ्लोज को पर ईयर कैश फ्लोज ले लेंगे, प्रोजेक्ट ए की जो कि 8,000 है थ्रू 7 ईयर, और इसमें अकॉर्डिंग टू MACRS जो हमारा टेबल होता है डेप्रिसिएशन का, इसमें 5 ईयर क्लॉज से जो हमारे परसेंटेजेस आ रही हैं 20%, 32%, 19%, 11.52 फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, और 6 ईयर में 5.76%, इन रेशोस से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन हमारी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की 28,000 उस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 28,000 है जो उसमें पे करना पड़ रहा है उसके लिए, उस पर हम कैलकुलेट। तो 20% लिया अगर हम 28,000 का, तो हमारा 5,600 आता है, और 8,960 आता है अगर हम 32% लेते हैं प्रोजेक्ट का। एंड अगर 28,000 पे अगेन नेक्स्ट हम 19.20 लगाते हैं तो 5,060, और 11.52 अगर फोर्थ फिफ्थ ईयर में लगाते हैं तो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ आ जाती हैं, और ये सारी वैल्यूज़ हमने 28,000 पे जो परसेंटेज गिवन है उनके ऊपर लेनी है। लास्ट ईयर पे क्योंकि हमारे पास कोई रेट नहीं है 7th ईयर पे, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे और ज़ीरो मार्क करेंगे। अब इन डेप्रिसिएशन को हम अपने सेविंग्स में से लेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, 2nd ईयर में नेगेटिव है, इसके बाद थर्ड हम इस पे इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 34% टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो हर साल के ऊपर हम 34% चार्ज करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएंगे, तो 816 और 326 ये हमारे टैक्सेस हैं। 2nd ईयर में नेगेटिव टैक्स है, बट हम टैक्स 34% के हवाले से चार्ज करेंगे। फिर अपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें ये हमारे टैक्सेस फाइन माइनस करने के बाद है। अब जो डेप्रिसिएशन हमने पहले लेस की थी वो वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और वो ऐड बैक करने के बाद हमारे पास कैश फ्लोज आ जाएंगी जिसके ऊपर हम पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हम इनको एक न्यू टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इनके ऊपर वो फोर टेक्निक्स लगा के इस इन्वेस्टमेंट पर चेक करेंगे इसकी, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। बट उससे पहले हम प्रोजेक्ट बी के ऊपर भी उनकी सेविंग्स के साथ भी सेम टेबल क्रिएट करते हैं, उनकी कैश फ्लोज भी जनरेट करते हैं। तो उनकी फर्स्ट टू ईयर में 5,000 की सेविंग है, नेक्स्ट टू ईयर में 6,000 की एंड फर्दर मोर, और फाइव ईयर की क्लॉज इन पे भी लग रही है। सेम रेट्स हैं, सेम रेट्स लेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है, तो हम 20,000 पे ये रेट्स चार्ज करेंगे। तो हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी एंड फिर हम प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स फाइंड कर सकते हैं, और इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड करेंगे और डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास कैश फ्लोज आ जाएंगी। अब इन कैश फ्लोज को हम के ऊपर हम पे बैक पीरियड, इसका एक नया टेबल बनाएंगे और उसमें पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट बी पे भी हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पे बैक पीरियड है, नेक्स्ट हम इन दोनों कैश फ्लोज के साथ को 14% पे उन्होंने कह रिक्वायर्ड रेट आपका 14% हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। तो हमने दोनों के प्रेजेंट वैल्यूज ले ली हैं 14% पे, और उन प्रेजेंट वैल्यू में से जब हम कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, मतलब अगर 29,382 में से 28,000 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी आ जाएगी, दैट इज 1,382। एंड प्रोजेक्ट बी की सिमिलरली 21,590 में से 20,000 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1,590 की जो प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं, और इन दोनों प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करेंगे और आईआरआर फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम इसकी आउटफ्लो से डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों प्रोजेक्ट्स का आईआरआर भी हम इंटरपोलेशन के थ्रू फाइंड कर लेंगे दो रेट्स लेकर। और जब एक आईआरआर फाइंड करते हैं तो ये आईआरआर आपको आंसर्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस फार्मास्यूटिकल कंपनी डीएनए इक्विपमेंट बाय करना चाहती है जो कि 60,000 का है, और ये इक्विपमेंट जो है लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है उनकी 20,000 एनुअली। इक्विपमेंट की यूज़फुल लाइफ है 5 ईयर्स, और ये इक्विपमेंट 3 ईयर प्रॉपर्टी क्लास में जो है फॉल करता है उस MACRS के टेबल में। कोई सॉल्वेज वैल्यू नहीं है इस इक्विपमेंट की, और टैक्स रेट जो कंपनी को पे करना पड़ रहा है वो 38% है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है इस कंपनी का। तो हमने करना क्या है, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की फाइंड करनी है। पहले तो हम इस प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज फाइंड कर लेते हैं बिल्कुल उसी टेबल से जिस तरह भी हमने पहले किया है, 20,000 ईच ईयर, डेप्रिसिएशन उस टेबल से ले लेंगे, वैल्यूज परसेंटेजेस इस टेबल से परसेंटेजेस लेंगे, और ये कैलकुलेट करने के बाद 20,000 पे रेट चार्ज, सॉरी 60,000 इसकी कैश आउटफ्लो है, तो कैश आउटफ्लो पे ये रेट चार्ज करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा इनको माइनस करके, फिर इस पर टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे 38% से, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगी माइनस करके, एंड वापस हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे। तो ये हमारी कैश फ्लोज हैं जिनके ऊपर हम इसकी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन कैश फ्लोज को हम एक अलग टेबल में ले आएंगे और 15% पे हम इसकी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि 6th प्रॉब्लम को ही आप लेके चलें, लेकिन ये ज्यूम करें कि 6% जो है
वो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट सेविंग बढ़ रही हैं, तो हर साल जो सेविंग्स हैं उन पर 6% का इंक्रीमेंट लगेगा। तो वो हमने इंक्रीमेंट लगा दिया, वो कैसे लगाया हम आप फर्दर बताते हैं। फर्स्ट ईयर हमारी सेविंग 20,000 है, नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे 20,000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1+0.06। तो इससे होगा क्या कि 6% इंक्रीमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी सेविंग्स। तो इस सेकेंड ईयर की जो सेविंग्स हो जाएंगी 21,200 हो जाएंगी। इसी तरह हम चारों 500 सालों में 6% नेक्स्ट ईयर पे इंक्रीमेंट देते जाएंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो इंक्रीमेंट देंगे वो सेकेंड ईयर की सेविंग्स पे देंगे। तो सेकेंड ईयर की सेविंग्स हैं 21,200, इस पे हम 1+0.06 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएंगी 22,472। और फोर्थ ईयर में हम 22,472 पे सेविंग्स करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे। और इस तरह हम 500 सालों की जो सेविंग्स है उनको इंक्रीज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे हमें बताया गया है ये इस इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट की वजह से। और बाकी हम डेप्रिसिएशन भी वैसे ही चार्ज करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा बट कैलकुलेशन एज इट इज़ जाएंगी। हमारी कैश फ्लोज डिफरेंट हो जाएंगी इस इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट की वजह से, और इन कैश फ्लोज को लेके हम दोबारा से 15% रिक्वायर्ड रेट पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट। सो दिस प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है अब कैश फ्लोज इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से 63,000 से ऊपर चली गई हैं। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो पॉजिटिव आ गई है 3,724 पॉजिटिव वैल्यू आ गया। नाउ दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, इससे पहले हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि एनपीवी जो है हमारी नेगेटिव थी, अब हमारी एनपीवी इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव आ गई है। अगर इतनी 6% इन्फ्लेशन होगी तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वट इफ़ अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएँ और वो भी 10,000 हमें इसमें एड अप करनी पड़े, हमें 10,000 और वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, सिर्फ 60,000 से बात नहीं बनेगी, हमें एडिशनल 10,000 चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो इससे हमारा बेसिकली कैश आउटफ्लो बढ़ जाता है, कैश आउटफ्लो हमारा जो है 60,000 नहीं रहेगा, अब ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 10,000 हमें इन बिटवीन चाहिए, 60,000 तो एज इट इज़ है, 10,000 के ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे क्या है। प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी कैश फ्लोज की है वो 63,582 है, लेकिन इस 10,000 की जो 5 years पे वर्किंग कैपिटल हमारा रिज़र्व हो जाएगा उस पे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करते हैं तो 4,970 है। तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में इफ़ेक्ट आता है दैट इज़ -1,448। प्रॉफिटेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, लेक थ्रो स्काई रिजॉर्ट जो है वो हाफ डजन कैपिटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लेके आया है और उसने 1,000,000 जो है वो कैपिटल बजटिंग के ऊपर के पर्पस जो है वो लगाने हैं, और उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, और इन प्रोजेक्ट्स की 6 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, और इनकी रेलिवेंटली प्रोजेक्ट अमाउंट गिवन है कि क्या क्या इनकी प्रोजेक्ट अमाउंट्स हैं, कितनी के इनका कैश आउटले है, आउटफ्लोज गिवन है, और साथ ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी गिवन है। द थिंग हमसे जो रिक्वायर है दैट इज़ अगर स्ट्रिक्ट कैपिटल राशनिंग की जाए करंट पीरियड को एज्यूम करके, विच ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। तो
इसमें कह रहे हैं आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कैपिटल बजट यूज़ करें, लेकिन आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स का। तो अगर हम थोड़ा सा देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर, और मैं इनको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ भी निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.22 एंड 1.20। तो उस बेस पे मेरे दो प्रोजेक्ट्स मैं कर सकती हूँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिनका हाई है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ उनकी हाई होंगी। तो दैट आर, अगर ये दो प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट और थर्ड प्रोजेक्ट मैं करती हूँ क्योंकि इनके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो मेरी टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट लगेगी दैट विल बी 8,50,000, और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी रिलेटिवली ज़्यादा ही आ रही हैं, बट कंपैरेटिवली हमारे पास एनालिसिस अवेलेबल नहीं है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखने के बजाय हम ये देखें वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो हम दो प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं 5,00,000 एंड 4,50,000। तो हमारी मैक्सिमम जो है जो कैपिटल है वो बजटिंग यूटिलाइज हो जाएगी। 1,000,000 रखा है तो 9,50,000 हमारा यूटिलाइज हो जाएगा अगर हम प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 4 सेलेक्ट करते हैं। ऑल दो इसके थ्रू हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे रिटर्न जो है वो थोड़े लेस हो जाएंगे। कह रहे हैं क्या इज़ इट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर आप जो है एनालिसिस करना कोई ऑप्टिमल स्ट्रेटजी नहीं है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है कि आप एनपीवी हाईएस्ट एनपीवी के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। आप सब हाई जो आपकी एनपीवी हैं पॉजिटिव आ रही हैं, हम सबको तो एक्सेप्ट एट अ टाइम नहीं कर सकते, फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि इनका IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसका ज़्यादा है। जिस प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट हाईएस्ट है उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है या जो सिलेक्शन की जाती है वो ऑप्टिमल मेथड नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन इज कि सेंट जॉन जो है वो ट्रक अपना कंक्रीट मिक्सर ट्रक जो है नए ट्रक के साथ चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने बिडिंग की है तो दो बिड्स उन्हें रिसीव हुई हैं और उन्होंने उन सब की परफॉर्मेंस जो है इवेल्यूएट की है। एक है रॉक बिल्ड ट्रक की और ये कहते हैं कि इनको ये ट्रक 74,000 में मिलेगा और ये टॉप ऑफ लाइन इक्विपमेंट यानी कि सबसे अच्छा ट्रक है और ये 8 साल तक की इसकी लाइफ है और हर साल हमें इसकी इंजन को 5वें साल इसके 5th ईयर पर जाके इसका इंजन रीबिल्ड करना पड़ेगा जिस पे एक्सपेंस भी आएगा। हर साल इसकी 2,000 जो है पहले 4 साल इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट और रीबिल्डिंग कॉस्ट मिला के 13,000 5th ईयर पे हमें आएगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर्स होंगे उस पे मेंटेनेंस कॉस्ट 4,000 है, जबकि लास्ट यानी जो 8वां साल है उसमें जो ये ट्रक है सेल हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू पे 9,000। एक बिट तो ये है। सेकेंड बिट बुलडॉग ट्रक्स इनकॉर्पोरेशन की तरफ से है, वो कहते हैं 59,000 पे आप ट्रक परचेज कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी ट्रक की थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, द थिंग फर्स्ट ईयर में जो कॉस्ट है इसकी 3,000 है और हर साल ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 1,500 से इंक्रीज करती जाएगी 8th ईयर पे। लेकिन अगर हम इसके 4th ईयर पे जाएंगे तो इंजन को रीबिल्ड करना पड़ेगा और उस पर तकरीबन $15,000 की कॉस्ट आएगी और ये मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर आएगी यानी उसमें एडिशन करके, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। अब हमने देखना है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो होगी 8वें साल में 5,000 है, हमने देखना है कि किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर 8% हो तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे पास हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं दोनों के लिए। तो हमारे पास कैश आउटफ्लो 8% पे रॉक बिल्ड की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 74,000 है, फिर नेक्स्ट 4 ईयर में 2,000 हैं, 5th ईयर में जाके ये 13,000 हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5th ईयर में हमें इस ट्रक को जो है वो रीबिल्ड करना पड़ेगा इसके इंजन को और इसके अंदर मेंटेनेंस भी इंक्लूड है, वो इंक्लूड करके 13,000 उन्होंने दिया था। नेक्स्ट में हमारे पास जो है 4,000 6th एंड 7th ईयर में आ रहा है और 5th ईयर में 5,000 पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 5th ईयर में हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट 4,000 थी लेकिन स्क्रैप वैल्यू 9,000 रिसीव हो रही है, तो 9,000 में से जब मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस कर देंगे तो 5,000 विल बी द पॉजिटिव वैल्यू जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है।
इसी तरह हम बिल्डिंग ट्रक के बुलडॉग ट्रक के भी कैलकुलेशंस को देख लेंगे। जैसे इन्होंने कहा हर साल हम 1500 बढ़ाते हैं, फोर्थ ईयर में 6000 है, फोर्थ ईयर में ये 7500 होगा, प्लस इसके अंदर हम इसकी जो मेंटेन रिबिल्ड कॉस्ट है वो डाल देंगे। फिफ्थ ईयर में 7500 में प्लीज 1500 ऐड करेंगे तो 9000 और इस तरह इंक्रीज होगा। एट्थ ईयर में हमारे पास स्क्रैप वैल्यू थी 5000 की, तो हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बन रही थी 12000 में 1500 प्लस करने से। इसको थोड़ा ट्रैक कर लेते हैं, 13500 जो है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बन रही थी। और 13500 से हम 5000 माइनस करेंगे तो 8500 हमारे पास जो है वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, नेट वैल्यू। और इनके इंक्रीमेंट हम देख लेते हैं कि बुलडॉग पे क्या इंक्रीमेंट है। तो ये रॉक बिल्ट की वैल्यूज़ में से बुलडॉग की वैल्यूज़ को माइनस किया तो ये मेरे पास एक न्यू कॉलम आ जाता है जो कि इंक्रीमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ हैं रीबिल्ड रॉक बिल्ट की, कि हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है रॉक बिल्ट की बजाय। ये सेविंग्स है हमारी, ठीक है। अब हम इन डिस्काउंट फैक्टर्स पे रॉक बिल्ट के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बुलडॉग के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू बता देती हूँ दोनों तीनों कॉलम्स की। तो रॉक बिल्ट के प्रोजेक्ट में हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 91626, मैग नेगेटिव में। बुलडॉग में हमारी प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ रही है 111266, और रॉक बिल्ट जो इनकी सेविंग आ रही है वो 20000 जो सेविंग्स है हमारी आ रही हैं रॉक बिल्ट की तरफ पॉजिटिव में। तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली रॉक बिल्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और रीबिल्डिंग एक्सपेंसेस भी कम है और इसकी जो ऑफसेट कॉस्ट है वो हायर कॉस्ट है। रॉक बिल्ट की निस्बत इसमें हमें ऑफसेट जो है वो हायर कॉस्ट पे मिल रहा है, तो दैट्स बेटर। तो हमें रॉक बिल्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम यही प्रोजेक्ट को 15% पे भी देखते हैं, तो 15% पे इनकी प्रेजेंट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और लेकिन अब अगर हम पूछें कि अब क्या प्रोजेक्ट चेंज करना चाहिए, नो 15% डिस्काउंट रेट पे भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेम रहेगा, बिकॉज जो मेंटेनेंस कॉस्ट है रॉक बिल्ड की वो कम है, तो वी हैव टू गो विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।